हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज में आई और हुक वाली पट्टी सिलना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पल्ले को पहले से ही तैयार कर रखा है। तो इस वाले पल्ले में हमारी आई वाली पट्टी बनेगी और यहाँ पर ये दूसरे वाले पल्ले में हमारी हुक वाली पट्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम आई वाली पट्टी को सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा ही रखना है और यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई देखिए हमने ली है 3.5 इंच। आप चाहे तो 3 इंच तक पट्टी की चौड़ाई ले सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस पट्टी को रख लेना है और रखने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है सीधी। बची हुई पट्टी की हम सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई वाली पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पल्ला लेंगे और इसमें हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो हुक वाली पट्टी हम 1/2 से सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच। तो इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है सीधी तरफ से और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी होगी क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने आई वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आई और हुक वाली पट्टी सिलना सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं विनती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।